हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मेरे बाल इतने बड़े कैसे हुए, मतलब मेरे हेयर का राज क्या है। तो मैं आज आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, और मेरे वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहना अगर आप चाहते हो कि आपके बाल भी मेरी तरह कि एंड शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग बाल अगर आप चाहते हैं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जिस दिन आप शैम्पू करेंगे उससे पहले दिन आपको आपके हेयर को ऐसे खोल के उसके बाद अच्छे से प्लीट करना होगा, मतलब आपको पार्ट कर लेना है दो साइड। उसके बाद आपको कोई मोटे, मतलब जो बड़े बड़े दांतों वाला जो कोम है उसको आपको यूज़ करना है, और ऐसे आपको कोम करना है। देख ही सकते हो मेरे बाल कितने सिल्की है, देख ही सकते हो ना आप लोग। और अभी मैं इसको अच्छे तरीके से कोम कर लूँगी, अच्छे तरीके से मैं अभी मेरे हेयर को कोम कर रही हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसके बाद मैं पहले मेरे जो बाल है उसको दो साइड में कर लूँगी, डिवाइड कर लूँगी। उसके बाद मैं एक हेयर ऑयल यूज़ करूँगी। देख ही सकते हो मैं मम्मा अर्थ का अनियन हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और आप लोग जो हेयर ऑयल यूज़ करते हो वही यूज़ करना। मैं अभी ये दिखा रही हूँ क्योंकि मैं अभी यही यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको दिखाया, लेकिन आप जो यूज़ करते हो वैसे ही यूज़ करना। और हेयर के साइड साइड पे नहीं, आपके जो बालों के जड़ जड़ है उसके अंदर अगर आपका ऑयल जाए तो ही आपका हेयर ग्रोथ होगा, ठीक है। तो आप देख ही सकते हो मैं कैसे मसाज कर रहा हूँ। हेयर ऑयल लगाने के बाद आपको ऐसे तरीके से बालों में मसाज करना पड़ेगा, क्योंकि तभी जड़ों में आपका ऑयल जो है वो चला जाएगा। अच्छे तरीके से मैं बालों पर ऑयल लगाने के बाद फिर से कोम करूँगी। अभी मैं फिर से मेरे हेयर पे ऑयल लगाऊंगी, और उसके बाद 10 से 15 मिनट तक मैं मसाज करूंगी, ताकि जो ऑयल मैंने लगाया है मेरे बालों पे, मेरे हेयर पे, वो ताकि आसानी से जड़ तक जाए और मेरे बालों को बढ़ने में आसानी हो। देख ही सकते हो मैं जैसे मसाज कर रही हूँ, धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाज कर रही हूँ। आपको भी वैसे का वैसे ही करना है मसाज। देख ही सकते हो मेरे बालों का लेंथ कितना है और कितना मोटा है। तो आप भी अगर चाहते हो तो प्लीज़ आप ऐसे प्रोसेस कंटिन्यू करते रहिए, मैं जैसे कर रही हूँ वैसे का वैसा ही करते रहना, आपके भी बाल मेरे जैसे हो जाएंगे। अभी देख ही सकते हो मैं कोम कर रही हूँ। कोम करने के बाद मैं दो चोटी बना लूँगी, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही करके कोम कर, मतलब कोम तो अब आपके जैसे ही करेंगे, लेकिन आप भी रात में जब सोएंगे उससे पहले बालों में तेल लगा के मसाज करके 10 से 15 मिनट तक मसाज करने के बाद ऐसे ही आप भी बालों को अच्छे से कोम करके उसके बाद आपके बाल को बांध लेना, चोटी कर लेना, करने के बाद सो जाना। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेना। आप जो लोग कहते हैं कि बाल कैसे बढ़ाए, बाल कैसे बढ़ाए, बालों का लेंथ कैसे बढ़ाए, बालों का जो मतलब मोटा है, किसी का पतला है, तो इसको कैसे ठीक करें, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो बाल आपको कट करते हो ना, मतलब बालों का स्टाइल करते हो, वो करना बंद कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप बालों को बढ़ाना चाहते हैं, आपके बालों को भी मोटा बनाना चाहते हैं, तो आप काइंडली हेयर स्टाइलिस्ट के वजह से आप मतलब ब्यूटी पार्लर में जाके केमिकल बालों में मत लगाइए, हेयर स्ट्रेटनिंग मत कीजिए, आप स्मूदनिंग मत कीजिए। क्योंकि जब आप केमिकल लगाते हैं ना अपने बालों पर, तो आपका बाल जड़ों से जल जाता है, और बाल आपके जड़ों से बहुत ही हल्का हो जाता है, तो इसलिए वो आपका हेयर फॉल होता है। तो प्लीज़ आप केमिकल मत यूज़ कीजिए, और मेरी तरह जो मैं जैसे बोल रहा हूँ प्लीज़ वैसे ट्राई कीजिए। और आप साल में एक बार आपका जो बाल है वो आप हेयर स्टाइलिस्ट के वजह से कट कर लीजिए, मतलब आपका हेयर स्टाइल चेंज कर लीजिए, लेकिन सिर्फ नीचे से कट करना आपके बालों को, ऊपर से ज़्यादा मत करना, ठीक है। तो आप देख ही रहे हो मैं कैसे दो चोटी बना लिया हूँ। Thank you.
ये वाला तो चोटी हो गया, अभी मैं दूसरा वाला चोटी भी बांध लूँगी। उसके बाद मैं रात में सो जाऊँगी और सुबह उठने के बाद मैं हेयर वॉश कर लूँगी शैम्पू से। और उसके बाद आप देख लेना, मैं जब वॉश करूँगी उसके बाद आपको मैं मेरा बाल जो है वो दिखाती हूँ। उसके बाद देखना अभी जो मेरा बाल है और उसके बाद जो मैं हेयर वॉश किया है उसके बाद मेरा बाल कैसे हो गया। अगर आप भी चाहते हैं कि एक साल के अंदर आप भी आपका जो बाल है वो बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही प्रोसेस आप भी करते रहिए, आपका भी बाल हो जाएगा, इतना ही बड़ा होगा, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, देख लेना आप। और हाँ, ये बात नहीं है कि जब भी आप हेयर वॉश करें, ऑयल लगाएं, तभी आप आपके चोटी करें, ये नहीं है। जब भी आप रात को सोएंगे उससे पहले आपके जो बाल हैं वो आप चोटी बना के सोना, क्योंकि रात में ही आपका हेयर जो है उसका ग्रोथ सबसे ज़्यादा होता है, तभी आपका ब्रेन जो है वो रेस्ट करता है, तो इसलिए आपका हेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा तभी ग्रो करता है, ठीक है। तो पहले तो मैं जब छोटी थी तब तो मेरा इतना बड़ा तो बाल नहीं था, वो तो मेरा जो टाइम बड़ा उसके बाद हुआ। तो मेरे मम्मी भी पहले ऐसे ही करती थी, मेरा दो चोटी बना देता था, मैं सो जाता था, सुबह उठता तो चोटी खोल देती, उसके बाद हेयर वॉश करता। तो आप भी ऐसे ही करना, ठीक है। और मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाय।